हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा एफएक्स ट्यूटोरियल। एंड आज के इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कॉम्बो बॉक्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको चॉइस बॉक्स के बारे में बताया था, और चॉइस बॉक्स में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर किसी जगह पर ड्रॉप डाउन मेन्यू को डिस्प्ले कराना है तो आप चॉइस बॉक्स का यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, चॉइस बॉक्स में दरअसल हम एक ऑब्जर्वर लिस्ट की मदद से कुछ आइटम्स को उसमें ऐड करते हैं, और जो आइटम्स आप चॉइस बॉक्स में ऐड करते हो वो आइटम्स उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में डिस्प्ले होते हैं, और यूज़र उन आइटम्स में से किसी एक आइटम को सिलेक्ट कर पाता है और वो उस चॉइस बॉक्स में सेट हो जाता है। ओके, और वो वैल्यू हमें मिल जाती है। तो इस तरह से चॉइस बॉक्स वर्क करता है। लेकिन चॉइस बॉक्स के साथ एक दिक्कत थी। वो दिक्कत क्या थी कि हो सकता है यूज़र जो वैल्यू को सिलेक्ट करना चाहता है वो वैल्यू आपने चॉइस बॉक्स के ड्रॉप डाउन मेन्यू में डिस्प्ले ना कराई हो। उस केस में क्या होगा, यूज़र करेक्ट वैल्यू सिलेक्ट नहीं कर पाएगा और हमें इनकरेक्ट डेटा मिलेगा। ओके, लेकिन अगर आप चाहते हो कि यूज़र अपनी कोई नई वैल्यू एंटर कर पाए तो उस केस में आप चॉइस बॉक्स का यूज़ ना करके आप कॉम्बो बॉक्स का यूज़ कर सकते हो। कॉम्बो बॉक्स में हमें क्या होता है, एक टेक्स्ट फील्ड मिल जाता है। अगर यूज़र ड्रॉप डाउन मेन्यू के अलावा अपनी कोई नई वैल्यू एंटर करना चाहता है तो वो इस टेक्स्ट फील्ड में एंटर कर सकता है। ओके, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ में हमें कॉम्बो बॉक्स में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू भी मिलता है और एक टेक्स्ट फील्ड भी मिलता है। ओके, अपनी कोई नई वैल्यू एंटर करने के लिए। ओके, सो चलिए डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सो कॉम्बो बॉक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड अ टेक्स्ट फील्ड इन विच यूजर कैन सिलेक्ट ए वैल्यू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट और ही कैन एंटर एनी न्यू वैल्यू। ओके, सो ये कॉम्बिनेशन होता है एक बटन का, ड्रॉप डाउन लिस्ट का और टेक्स्ट फील्ड का, जिसके अंदर यूज़र कोई वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता है, या तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर सकता है या अपनी कोई नई वैल्यू भी एंटर कर सकता है। ओके, इट कैन बी थॉट एज एन एडिटेबल चॉइस बॉक्स। क्या बोला मैंने, एडिटेबल चॉइस बॉक्स, तो ये एक एडिटेबल चॉइस बॉक्स माना जा सकता है। ओके, तो चलिए इसका एक प्रोग्राम भी बना लेते हैं। तो एक्लिप्स के अंदर चलते हैं। यहाँ हमने एक पिछले वीडियो में ये चॉइस बॉक्स का एक प्रोग्राम बनाया था, इसी का हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ मेन क्लास को यहाँ से कॉपी करूँगा और इसे कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ। मेन टू क्लास का नेम रहने देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ मेरे पास मेन टू क्लास बन गई है। इस पर क्लिक करते हैं। ओके, तो ये आ गई। तो अभी मैं यहाँ क्या करूँगा, इस कोड को यहाँ से रिमूव कर दूँगा और यहाँ से इसे भी रिमूव कर दूँगा, और इसको इसका टाइटल हम बदल देंगे कॉम्बो बॉक्स एग्जांपल। ओके, सो फ्रेंड्स, कॉम्बो बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सबसे पहले। तो सो कॉम्बो बॉक्स स्ट्रिंग जेनरिक टाइप दे दूंगा मैं, कॉम्बो इज इक्वल टू न्यू कॉम्बो बॉक्स। ओके, एंड इसे इंपोर्ट भी कर लेते हैं। तो चलिए, कॉम्बो बॉक्स तो बना लिया है, अभी हमें इसमें आइटम्स को ऐड करने होंगे। तो आइटम्स को मैं उसी क्लास से ऐड कर लेता हूँ, वही आइटम्स हम इसमें ऐड करने वाले हैं। ओके, और यहाँ कॉम्बो लिख देते हैं। तो चलिए, कॉम्बो बॉक्स बन चुका है, उसमें आइटम्स ऐड हो चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस कॉम्बो बॉक्स को रूट में सेट कर देंगे। सो रूट डॉट सेट सेंटर और कॉम्बो। ओके, चलिए, तो अभी हम इसे रन करके देख लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं हमारे सीन में कॉम्बो बॉक्स ऐड हो चुका है। आप देख सकते हैं इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो रहा है, और जैसे मैंने जावा को सिलेक्ट किया तो इसमें जावा सेट हो गया। ओके, और पाइथन को सिलेक्ट करता हूँ तो पाइथन सेलेक्ट हो गया, सी प्लस प्लस को सिलेक्ट करता हूँ तो सी प्लस प्लस सेलेक्ट हो गया। ओके, इस तरह से। लेकिन मैंने आपको बताया था कि या तो कॉम्बो बॉक्स में यूज़र ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर सकता है, या अगर आप वो नई वैल्यू को एंटर करना चाहे तो वो भी कर सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। मैंने आपको बताया था इसके साथ एक टेक्स्ट फील्ड भी आता है, लेकिन टेक्स्ट फील्ड तो हमें यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो अगर मैं कोटलिन को यहाँ सिलेक्ट करना चाहता हूँ, कोटलिन को एंटर करना चाहता हूँ तो वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो इसलिए क्योंकि ये अभी एडिटेबल मोड में नहीं है। तो एडिटेबल मोड में इसे हम बनाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक मेथड होता है उसका हम यूज़ करेंगे। मेथड क्या है, कॉम्बो डॉट सेट एडिटेबल, इसमें हम ट्रू पास करेंगे। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें फॉल्स होता है। सो कॉम्बो डॉट सेट एडिटेबल ट्रू कर दिया। ओके, तो इससे क्या होगा, ये एडिटेबल मोड में आ जाएगा। ओके, तो अभी अगर रन करोगे आप तो आप देखोगे कि हमें
कॉम्बो बॉक्स के अंदर एक टेक्स्ट फील्ड भी मिल जाएगा। ओके इस तरह से। तो अभी अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू भी हमें शो हो रहा है और हमें यहाँ एक टेक्स्ट फील्ड भी मिल रहा है। ओके तो जिसके अंदर मैं कोई नई वैल्यू कुछ भी एंटर कर पा रहा हूँ। ओके तो चलिए ये तो था हम इसे एडिटेबल मोड में कैसे ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि इसमें टेक्स्ट फील्ड होता है, तो टेक्स्ट फील्ड में हम हिंट भी शो कर सकते हैं। तो अभी यहाँ हिंट नहीं है तो मैं क्या करता हूँ कुछ हिंट इसमें सेट कर देता हूँ। सो उसके लिए हम लिखेंगे कॉम्बो डॉट सेट प्रॉम्प्ट टेक्स्ट और यहाँ मैं लिख देता हूँ टाइप हेयर। ओके तो अभी अगर मैं इस पर रन करूँगा तो आप देखेंगे कि उस टेक्स्ट फील्ड में एक हिंट भी आ जाएगी, लेकिन यहाँ हिंट नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने इसमें फोकस लगाया हुआ है, तो फोकस को यहाँ से रिमूव करेंगे। कॉम्बो डॉट सेट फोकस फोकस टेबल्स फॉल्स। ओके तो अभी अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप देखोगे कि इसमें एक हिंट भी दिखेगी। ओके इस तरह से आप देख सकते हैं हिंट शो हो रही है। तो चलिए जैसे इसमें फोकस आता है तो हिंट भी रिमूव हो जाती है। तो चलिए ये तो था कि हम हिंट कैसे इसमें सेट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसमें टोटल 6 आइटम्स डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके लेकिन अगर आप इसके जो विजिबल रोज हैं उसको लिमिट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। जैसे इसमें अभी 6 आइटम्स हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार में 4 ही आइटम्स शो हों। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसका एक मेथड होता है कॉम्बो डॉट सेट विजिबल रो काउंट। ओके तो यहाँ मैं 4 पास करूँगा और अगर अभी मैं इसे रन करूँगा तो आप देखोगे कि जो हमारे 6 आइटम्स डिस्प्ले हो रहे थे वो नहीं होंगे, उसकी जगह अभी 4 ही डिस्प्ले होंगे। ओके बाकी यहाँ एक स्क्रॉल बार आ जाएगा इस तरह से। ओके तो ये इस तरह से हम इसके विजिबल रोज को लिमिट कर सकते हैं। ओके तो चलिए ये तो कुछ इस कॉम्बो बॉक्स के मेथड थे। अभी मैं क्या करता हूँ, जो भी हम इस में से कोई वैल्यू को सिलेक्ट कर रहे हैं मैं चाहता हूँ वो वैल्यू कंसोल पर प्रिंट हो, जैसा हमने पिछली वीडियो में किया था। ओके तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कॉम्बो बॉक्स का एक जो सेट ऑन एक्शन मेथड होता है उसका हम यूज़ करेंगे। सेट ऑन एक्शन यहाँ मैं लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करूँगा। सो ई एरो और कर्ली ब्रैकेट्स। ओके और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, बेसिकली ये जो भी कॉम्बो बॉक्स की वैल्यू रहेगी उसे प्रिंट करना है कराने वाला हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन पे। ओके एंड कॉम्बो डॉट गेट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। ओके सो अगर मैं अभी इसे रन करूँगा और इसमें कोई वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ सबसे पहले C++ को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखते हैं C++ आ गया, और पाइथन को सिलेक्ट करता हूँ तो पाइथन प्रिंट हो गया। और अभी मैं क्या करता हूँ, पाइथन को ना सिलेक्ट करके अभी मैं इसमें कोई नई वैल्यू एंटर करना चाहता हूँ, जैसे मैंने कॉटलिन टाइप किया और एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कॉटलिन आ गया। ओके सो इस तरह से जावा एफएक्स के अंदर कॉम्बो बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने सीखा कि कॉम्बो बॉक्स क्या होता है और चॉइस बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स के बीच क्या क्या डिफरेंस होते हैं और कॉम्बो बॉक्स का यूज़ हम कैसे करते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कॉम्बो बॉक्स का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हमारे इसी तरह के नए नए वीडियोज़ की जानकारी के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।